अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के एस्टीमेशन की नेक्स्ट मेथड पर, और ये मेथड है जेलडॉल्स मेथड, जेलडॉल विधि। ओके, तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने नाइट्रोजन के एस्टीमेशन की ड्यूमा मेथड को डिस्कस किया था। वो जो मेथड है वो ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के एस्टीमेशन में यूज्ड होती है। लेकिन ये जो मेथड है बच्चों, ये मेनली यूज्ड होती है फूड मटेरियल्स, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, इनमें नाइट्रोजन के एस्टीमेशन में। और ये मेथड तब यूज नहीं होती जब नाइट्रोजन जो है वो एक एरोमेटिक रिंग में हो, मींस हेट्रोसाइक्लिक जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, या जिनमें नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में हो, मींस नाइट्रो ग्रुप के फॉर्म में हो, या फिर डाई एजो ग्रुप के फॉर्म में हो, तब ये मेथड नाइट्रोजन के एस्टीमेशन में यूज्ड नहीं होती, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन इजीली जो है फ्री नहीं होता। ओके, अब आते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। तो देखो बच्चों, इस मेथड में क्या किया जाता है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टीमेशन करना है उसको पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इनकी प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइजेस्टेड किया जाता है, मींस उसके साथ अच्छी तरह से हीटेड किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाता है, मींस उसमें जितना नाइट्रोजन था वो किस में चेंज हो गया बच्चों, अमोनियम सल्फेट में। और ये जो डाइजेशन है बच्चों, एक जेलडॉल फ्लास्क होता है उसमें किया जाता है। इसके बाद जब मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब जितना हीटेड करना था और उसमें जितना नाइट्रोजन था वो अमोनियम सल्फेट में चेंज हो गया, फिर इस सॉल्यूशन को NaOH सॉल्यूशन के साथ ट्रीटेड किया जाता है। ऐसा करने से अमोनियम सल्फेट जो है डिकम्पोज्ड होता है और अमोनिया फ्री करता है, मींस अमोनिया रिलीज्ड होती है। फिर तो जितना नाइट्रोजन था वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है, अमोनिया गैस के फॉर्म में। इस अमोनिया को एक स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन इसमें पास किया जाता है। ऐसा करने से अमोनिया बेसिक होता है और एसिड जो है H2SO4 या HCl एसिड होता है, दोनों में न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो जितना अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ वो क्या करेगा, H2SO4 को न्यूट्रल कर देगा। जब कंप्लीट अमोनिया न्यूट्रल हो चुकी होती है एसिड से, तो फिर जो H2SO4 स्टैंडर्ड लिया गया था या HCl, उसकी लेफ्ट अमाउंट या जो न्यूट्रल नहीं हुई उसका टाइट्रेशन जो है NaOH के साथ करते हैं, स्टैंडर्ड NaOH के साथ। तो इनिशियली कितना स्टैंडर्ड का, जो कितनी नॉर्मलिटी का H2SO4 लिया गया था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और उसमें से जो टाइट्रेशन NaOH के साथ कर रहे हैं बैक टाइट्रेशन, फिर कितना H2SO4 बचा उससे पता चल जाएगा। इनके डिफरेंस से पता चलता है कि अमोनिया ने कितना H2SO4 को क्या कर दिया बच्चों, न्यूट्रल कर दिया। इस अमोनिया की अमाउंट को कैलकुलेटेड करके फिर नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, और यही है जेलडॉल मेथड का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो यहां से हम लेते हैं कि दिस मेथड इज लार्जली यूज्ड फॉर द एस्टीमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन फूड्स, ओके, फर्टिलाइजर्स एंड ड्रग्स। समझ गए बच्चों कि ये जो मेथड है मेनली फूड मटेरियल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ड्रग्स हो गए, इनमें नाइट्रोजन के एस्टीमेशन के लिए यूज्ड होती है। दिस मेथड नॉट एप्लीकेबल टू, नंबर वन, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन रिंग, मींस हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग जिनमें नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग में आती है, जैसे पायरोल, पिरिडीन, क्यूनोलीन, ठीक है, आइसोक्यूनोलीन, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग में है उनमें नहीं यूज होती है ये मेथड। दूसरा, सेकंड नंबर है कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप, मींस नाइट्रोबेंजीन, इस तरह के, एंड एजो ग्रुप, जैसे कि डाई एजो, ठीक है, डाइज जो होते हैं वो एजो डाइज, उनमें इस मेथड का यूज नहीं करते।
ये ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से किस कंपाउंड के लिए जेलडॉल मेथड यूज नहीं होगी। ओके, जबकि आपने देखा था ड्यूमा प्रोसेस यूज फॉर ऑल, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है तो मेनली यूज होगी क्या, ड्यूमा मेथड। लेकिन ये तब यूज नहीं होगी जब ये कंपाउंड्स आपको मैंने जो बताया। ओके, अब आते हैं किस मेथड में क्या होता है बच्चों। तो इन दिस मेथड आर नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है उसकी नोन अमाउंट ले ली जाती है, मतलब उसकी अमाउंट पता होती है कितनी ली, is digested with concentrate H2SO4 in the presence of potassium sulfate and copper sulfate in Jeldol flask। बुक में इसका डायग्राम पूरा मिल जाएगा, मैंने यहाँ डायग्राम नहीं दिया। उसमें एक Jeldol flask होता है, उसमें पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इन तीनों को मिला के और अच्छी तरह से हीटेड किया जाता है, मीन्स इतना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाए। अब ऐसा करने से क्या होगा कि द नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, समझ गए बच्चों, H2SO4 से रिएक्शन करके जितना भी नाइट्रोजन था वो किसमें चेंज हो गया, अमोनियम सल्फेट में, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिस्टिल्ड विद NaOH। अब वो जो Jeldol फ्लास्क में जो कंपाउंड कंप्लीट हमें मिल गया डाइजेस्टेड होने के बाद, उस सॉल्यूशन को NaOH के साथ ट्रीटेड किया जाता है, मतलब डिस्टिल्ड किया जाता है, इससे अमोनिया की वेपर बाहर आती है, मींस अमोनियम सल्फेट डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है बच्चों, अमोनिया। इस अमोनिया को फिर क्या किया जाता है कि स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन के एक्सिस में पास किया जाता है, इससे अमोनिया और H2SO4 के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा बच्चों। तो कितना H2SO4 न्यूट्रल हो गया उसको कैसे पता लगाए, तो पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन थी, अमोनिया पास करने के बाद अब क्या बचा H2SO4, उसको जो है ये लिखा है कि द एसिड लेफ्ट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन विद अमोनिया एस्टिमेटेड विद स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन। फिर हम उस बचे हुए H2SO4 का NaOH के साथ एक बैक टाइट्रेशन कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कितना H2SO4 लेफ्ट में बचा। तो इनिशियल कितना लिया गया था, लेफ्ट कितना हो गया, इनका जो डिफरेंस है वो अमोनिया से न्यूट्रल हुआ H2SO4 होगा, वो इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए जाते हैं और उसके बेस पर ही नाइट्रोजन का क्या किया जाता है बच्चों, परसेंटेज डिटरमिनेशन, हम उसका फॉर्मूला लेंगे अभी। तो यहां तक आप लिखें, फिर मैं एक साथ रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, Jeldol मेथड जो है, ओके, Jeldol विधि जो है बच्चों, ये कार्बनिक यौगिक जिनमें कि नाइट्रोजन है उनके एस्टिमेशन के लिए यूज होती है और मेनली यूज होती है बच्चों ये खाद्य पदार्थों में, उर्वरक जो कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक और ड्रग्स, इनमें नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होती है। ओके, ये तब यूज नहीं होती ये मेथड जब नाइट्रोजन किसी एरोमेटिक वलय में हो, मींस विषम चक्री एरोमेटिक यौगिकों में, जैसे कि पायरोल है, पिरीडीन है, इस तरह के कंपाउंड में हो, या फिर नाइट्रोजन NO2 ग्रुप के फॉर्म में हो, या फिर डाई एजो ग्रुप के फॉर्म में हो, समझ गए ना, उस समय ये मेथड यूज नहीं होती क्योंकि सही रिजल्ट्स नहीं आते, उनमें नाइट्रोजन इजी फ्री नहीं होती है। अब आता है कि इस मेथड में क्या होता है, तो इस मेथड में बच्चों पूरे जो भी कार्बनिक यौगिक जिसमें हमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है उसकी एक ज्ञात मात्रा को Jeldol फ्लास्क होता है उसमें रखा जाता है, उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से बॉइल्ड किया जाता है ताकि वो कंप्लीट डाइजेस्टेड हो जाए, मीन डिकम्पोज हो जाए। ऐसा करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक में जितना नाइट्रोजन था बच्चों वो टोटल अमोनियम सल्फेट में बदलता है, फिर पूरे सॉल्यूशन में NaOH मिलाकर इसको डिस्टिल्ड करते हैं, आश्वित करते हैं। ऐसा करने से अमोनियम सल्फेट डिकम्पोज्ड होकर अमोनिया बनाता है, इस अमोनिया को फिर एक मानक स्टैंडर्ड H2SO4 या HCl के सॉल्यूशन में पास करते हैं, यहां पर अमोनिया H2SO4 या HCl को न्यूट्रल करता है। अब जितना भी H2SO4 न्यूट्रल हो गया कंप्लीट अमोनिया से, फिर इसके बाद कितना बचा H2SO4 इसे फिर NaOH के मानक विलयन से अनुमापित कर लेते हैं, और इनमें जो इनिशियल कितना लिया गया था H2SO4 मानक और फिर कितना बचा
जो अनुमापन NUH के साथ किया आपने, इनके डिफरेंस से पता चल जाएगा कि कितने H2SO4 के तुल्यांक इक्विवेलेंट न्यूट्रल हो गए। वो इक्विवेलेंट ज्ञात करके फिर नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालते हैं, उसका हम अभी फॉर्मूला देखेंगे। ओके, तो मैंने यही लिखा है कि यह विधि मुख्यतः खाद्य पदार्थों, उर्वरक और ड्रग्स में नाइट्रोजन के आकलन में प्रयोग की जाती है, किंतु यह विधि तब प्रयुक्त नहीं होती जब नाइट्रोजन एरोमेटिक वलय में हो, जो मैंने आपको बताया कंपाउंड्स, या फिर NO2 के फॉर्म में हो, या फिर डाइएजो समूह के रूप में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हो। ओके, इस विधि में कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को कॉपर पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट इनकी उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ जेलडोल फ्लास्क में अच्छी तरह से उबाला जाता है, मतलब डाइजेस्ट किया जाता है कंप्लीट डिकम्पोजिशन तक। इससे कार्बनिक यौगिक का नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में बदल जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को NOH के साथ आश्रित करते हैं, इससे अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। बच्चों, इसको मानक H2SO4 या फिर HCl के विलयन में प्रवाहित किया जाता है, इससे अम्ल का उदासीनीकरण होता है। शेष बचे अम्ल को मानक NUH के साथ अनुमापित कर लेते हैं। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो ये सपोज ये नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, समझ गए बच्चों, इसको हमने H2SO4 और यहां पर हमारे पास K2SO4 प्लस CuSO4 ये होते हैं, इनको अच्छी तरह से डाइजेस्टेड किया गया यहां पर, समझ गए ना, उबाला गया अच्छी तरह से मिक्स करके और उसको डिकम्पोज किया गया, तो ये बनता है अमोनियम सल्फेट। ये कहां आ जाता है, सॉल्यूशन में। अब उसमें NUH मिला के और फिर हीटेड किया जाता है, ऐसा करने से अमोनिया, मतलब यहां पर डिस्टिलेशन होता है, समझ गए बच्चों, क्या होता है, डिस्टिलेशन, तो अमोनिया गैस बनती है। इस अमोनिया गैस को H2SO4 के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में पास किया जाता है, समझ गए बच्चों, तो ऐसा होने से H2SO4 और अमोनिया की रिएक्शन से बन जाता है अमोनियम सल्फेट। बाकी कितना स्टैंडर्ड, मतलब यहां पर फिर NaOH मिला के और इसका बैक टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, ये, और तब इससे बचा हुआ जो एसिड है बच्चों, वो पता चल जाता है कि कितना लेफ्ट में एसिड बच गया, वो अमाउंट नोट कर दी जाती है। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होगे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि अब हमें H2SO4 जो कि अमोनिया से क्या हुए हैं न्यूट्रल्स, ठीक है, उनके इक्विवेलेंट हमने डिटरमाइन कर लिए उसको NUH के साथ बैक टाइट्रेशन करके। तो फिर नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत का निर्धारण, देखो बच्चों डिटरमिनेशन ये फॉर्मूला है, नाइट्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू 1.4 × NV / W। यहां पर NV जो है बच्चों टोटल, यहां मैं बता दूं कि ये जो NV है ये है टोटल इक्विवेलेंट, ठीक है, यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया NH3 फॉर्म्ड, समझ गए बच्चों, कि NH3 के लिए प्रयुक्त H2SO4 या कहें कि अम्ल, ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है, ये क्या है बच्चों, एसिड के इक्विवेलेंट, अम्ल के तुल्यांक। ओके, तो यहां पर N × B, यहां पर है नॉर्मलिटी ऑफ एसिड जो H2SO4 यूज हुआ है, समझ गए बच्चों, H2SO4 अम्ल की नॉर्मलता जो कि स्टैंडर्ड है, समझ गए बच्चों, कि जो स्टैंडर्ड एसिड यूज हुआ है उसकी क्या है बच्चों, नॉर्मलिटी। कई बार मोलारिटी दे रखी होती है एसिड की, तो आप इस रिलेशन से नॉर्मलिटी में चेंज कर दें, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, अम्ल की नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा क्षारकता, बेसिसिटी, यहां पर बी मैंने लिखा है बेसिसिटी ऑफ एसिड, जितने उसमें एच प्लस होते हैं ना वही उसकी बेसिसिटी है। ओके, तो मोलरिटी दे रखी है तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। तो हम इसका वी है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 व्हिच न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, अब जो अमोनिया जब हमने पास की है तो उसमें कितना एसिड न्यूट्रल हुआ है उसका वॉल्यूम लेना है बच्चों, वो वॉल्यूम जो न्यूट्रल हुआ है।
और बी बेसिसिटी और डब्ल्यू है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आते हैं कि यहां एन बी कैसे निकालोगे आप। तो देखो बच्चों, जो भी एसिड आपको स्टैंडर्ड के एसिड के फॉर्म में दिया हुआ है उसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकाल लो। अगर वो मोलारिटी के फॉर्म में है तो आप इस रिलेशन से नॉर्मलिटी में चेंज कर लो। तो ये है टोटल इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, मींस जो अम्ल स्टैंडर्ड के एसिड के फॉर्म में यूज हुआ है उसके कुल तुल्यांक कि कितनी नॉर्मलिटी का था और कितना उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है। ओके, कई बार अमाउंट के फॉर्म में दे रखा होता है तो सीधा है वो अमाउंट ही उसकी इक्विवेलेंट होगी, उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें, मतलब ये एक मिली इक्विवेलेंट। यहां पे बता दूं कि यहां वॉल्यूम किस फॉर्म में होगा बच्चों, ml के फॉर्म में। तो यहां पर हमने n into b मिली इक्विवेलेंट एसिड के कितने हैं, उसमें से NB, ये है equivalent of waste used for estimation of left acid। अब आपके पास जो एसिड बच गया था अमोनिया के पास करने के बाद उसके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना बेस यूज हुआ, मींस NaOH जो यूज हुआ है उसके इक्विवेलेंट। तो इनका जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो हो गए वो इक्विवेलेंट जो कि अमोनिया के किसके लिए यूज हुए हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने इतने लिए थे इक्विवेलेंट एसिड के और इतने इक्विवेलेंट एसिड के बच गए। क्यों? क्योंकि जितने इक्विवेलेंट बेस के लगे उतने ही तो इक्विवेलेंट एसिड के बचे होंगे ना। तो ये डिफरेंस ले लें, एनबी आ जाएगा, एनबी डायरेक्ट यहां रखते। अगर आपको एनबी जो है डायरेक्ट दे रखा है कि इतना इक्विवेलेंट या इतनी नॉर्मलिटी का इतना वॉल्यूम न्यूट्रल हो जाता है अमोनिया से, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपको एसिड बताया जाएगा, फिर उसके टाइट्रेशन में कितना NaOH लगा वो बताया जाएगा, तब उससे एनबी कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये एनबी यहाँ पुट अप कर देंगे, डब्ल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, बस नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो समझ गए बच्चों कि ये एनबी कैसे निकालोगे, जो भी एसिड आपको मानक अम्ल दे रखा है उसको आप नॉर्मलिटी में चेंज कर लें और उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, ये अम्ल के तुल्यांक निकलाएंगे इनिशियल जो कुल लिए गए हैं। और ये है बच्चों तुल्यांक किसके, जो बेस बैक टाइट्रेशन में यूज हुआ है, मींस बचे हुए H2SO4 को टाइट्रेट करने में कितना तुल्यांक मींस क्षार जो लगा है उसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का यूज करें। दोनों का डिफरेंस लोगे एनबी आ जाएगा, वो यहां पुट अप कर दो। अब ये न्यूमेरिकल आ जाता है, जरूरी नहीं कि उसमें नॉर्मलिटी और वॉल्यूम ही अलग अलग है, मतलब टोटल इनका रिजल्टेंट जो आया वो ये है और वो इस पुट अप कर देना है n into v की जगह। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी मैं आपको टू टाइप्स के क्वेश्चन बताता हूं जिसमें डायरेक्ट n और b का मान दे रखा है कि कितना न्यूट्रल हुआ है अमोनिया से, तो आप डायरेक्ट निकाल लें। अगर मान लो आपको पहले एसिड इतना लिया गया था उसको टाइट्रेशन करके बैक टाइट्रेशन करने पर इतना NaOH लग गया, तो फिर क्या होगा नाइट्रोजन का परसेंटेज, तो हम ये रिलेशन लगा देंगे। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये है टू क्वेश्चंस। इन जेल्डोल मेथड द अमोनिया इवॉल्व्ड बाय 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 कैलकुलेट नाइट्रोजन परसेंटेज। समझ गए बच्चों कि ये लिखा है कि जेल्डोल विधि में 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक के विघटन से उत्पन्न NH3 के लिए 1 मोलर H2SO4 का 10 ml लगता है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो यहां डायरेक्ट आप देखोगे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे रखा है पहले कि आपको कितना H2SO4 वॉल्यूम में और कितनी मोलारिटी का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम यहां लेंगे आंसर में, आप देखें कि हमें निकालना होता है NB। ये NB क्या है बच्चों, यूज्ड इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ओके, यूज्ड इक्विवेलेंट ऑफ एसिड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया। यही है, मतलब है कि जो अमोनिया बन रही है बच्चों, अमोनिया के उदासीकरण
उदासीनीकरण में प्रयुक्त अम्ल के तुल्यांक। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, एन की जगह अगर हम मोलारिटी का यूज करें तो एम इंटू वी इंटू ये, तो ये इसकी जगह यूज हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो कि मोलारिटी दे रखी है H2SO4 कितना है 1 मोलर, बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों 2, क्योंकि H2SO4 जब आयोनाइज्ड होता है तो 2H+ SO4 2-, तो ये जो नंबर ऑफ H+ है यही क्या है बच्चों, बेसिसिटी ऑफ एसिड, कितने H+ प्रोड्यूस हो रहे हैं वही बेसिसिटी है, क्योंकि जितने H+ प्रोड्यूस होंगे उतने इक्विवेलेंट बेस के न्यूट्रल हो जाएंगे। और वॉल्यूम देखो कितना है आपके पास 10 ml बस। अब आप यहां नाइट्रोजन ये परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1.4 इंटू एम इंटू वी, ओके इंटू वी अपॉन में डब्ल्यू, तो देखो 1.4 इंटू मोलारिटी 1, बेसिसिटी 2, वॉल्यूम है 10 ml और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों वो कितना है 0.5। बस आपको एन भी ही तो लेना था, डायरेक्ट नॉर्मलिटी होती ना तब तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। आपने मोलारिटी दे रखी है तो मोलारिटी इनटू बेसिसिटी कर दोगे तो नॉर्मलिटी आ गई, तो वो नॉर्मलिटी हमने यहां तो हमने डायरेक्ट एम इनटू बी यहां पर यूज कर दिया, वॉल्यूम 10 ml था, मास ये है, नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा, ओके। तो आप यहां देखो कैलकुलेट करके कि ये कितना आता है, ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है 56%, ओके, तो इसको नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके, यहां मैं आप इसको हटा देता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब यहां देखो आप, अब यहां पर आपको डायरेक्ट वो इक्विवेलेंट नहीं दे रखे हैं जो कि अमोनिया से न्यूट्रल हो रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको एसिड की इनिशियल अमाउंट दे रखी है और जो बची हुई लेफ्ट अमाउंट है जो कि NaOH से न्यूट्रल हो रही है वो भी बताई गई है। तो मतलब समझ गए बच्चों कि ये कह रहा है कि यहां पर मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ताकि आप समझ सके इसको, ओके, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों ये कह रहा है कि जेलडॉल मेथड में, जेलडॉल विधि में, ओके, उत्पन्न कितने ग्राम है 0.257 ग्राम कार्बनिक यौगिक से उत्पन्न NH3 को 50 ml My10 HCl के विलयन में प्रवाहित किया गया तथा शेष बचा अम्ल कितने से न्यूट्रल किया गया बच्चों, ये है 23.2 ml, ठीक है, My10 NaOH से उदासीनीकृत किया गया, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज। क्वेश्चन समझ गया होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट आपको Nb नहीं दे रखे हैं तो एसिड के Nb ले लें और उसमें से जो बेस न्यूट्रलाइजेशन बैक टाइटेशन में यूज हुआ है उसको माइनस कर दें। तो देखो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे कि NaVa कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो यहां पर आपने देखा कि HCl ये है, तो यहां पर M by 10 आप समझ रहे हो, पहले आप मैं यहां बता दूं कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी HCl के लिए सेम होगी और ये मोलारिटी आपको दे रखी है M by 10 के फॉर्म में, ओके, हम इसे लिख सकते हैं 0.1 मोलर, तो यही है 0.1 नॉर्मल, ओके। तो यहां पर आप देखें NaVa हो गया आपके पास 0.1 इनटू और ये कितना है बच्चों 50 ml, तो ये तो हो गया NaVa, मींस हो गया ये 5, ओके। फिर आप आ जाएं NbVb, तो NaOH के लिए भी बच्चों मोलारिटी और नॉर्मलिटी सेम होगी, NaOH है तो इसके लिए मोलारिटी और नॉर्मलिटी सेम होगी, मींस 0.1 नॉर्मल, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे 0.1 इनटू 23.2, ओके, तो ये हो गया 2.32, मींस आपके पास Nb, ठीक है,
जो इक्विवेलेंट न्यूट्रल हुए हैं बच्चों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NaVa - NbVb, तो आपके पास आ गया ये 5 - 2.32। बस अब आप ये वैल्यू जो है परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे आप, नाइट्रोजन परसेंटेज 1.4 इनटू Nb इनटू, यहां पर क्या था बच्चों 1.4 इनटू Nb और अपॉन में क्या था W, तो 1.4 इनटू Nb आपको पता है कितना हो गया। तो ये देखो आप, ये दे रखा है आपके पास, तो यहां आपने यूज किया 5 - 2.32 अपॉन में आप लगाएंगे W कितना है बच्चों, देखो यहां पर कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है 0.257। अब इससे आप नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर ले, देखो ये कितना आ रहा है, ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर। तो देखो बच्चों आपने इसको सॉल्व कर लिया ना, यही आ जाएगा 1.4 इंटू 2.68 अपॉन ये है, तो ये आ रहा है 14.6%। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन और इसी तरह का बताता हूं, ये है, इस क्वेश्चन को देखो, मैं समझता हूं अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजी गोइंग बन जाएगा। यहां पर है जेलडॉल मेथड में 0.35 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनिया इवॉल्व होती है, which is passed in 100 ml by 10 H2SO4 solution after neutralization, left acid nitrated with NaOH 1.154 ml by 10 NaOH required for neutralization, calculate percentage। तो देखो बच्चों यहाँ पर H2SO4 है, इसकी molarity आपको दे रखी है m by 10 means 0.1 molar, ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर जो molarity है वो है 0.1, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इनटू 2 मींस 0.2। ओके, वॉल्यूम देखो आप कितना है 100 ml, तो NaVa आपके पास आ गया 100 इनटू 0.2, यहां तक बात समझ गए, ये तो हो गया NaVa। अब आ जाते हैं NbVb कितना है, तो ये है 154 इनटू 0.1, समझ गए ना, यहां पर NaOH की अभी मैंने आपको बताया था मोलारिटी और नॉर्मलिटी सेम होगी, मींस यहां पर 0.1 है तो ये भी 0.1 है, ये हो गया। बस अब आपको नाइट्रोजन परसेंटेज, तो 1.4 इनटू यहां पर आपको Nb यूज करना है, कितना लिया है आपने जो न्यूट्रल हुआ है अपॉन W, तो ये है 1.4 इनटू Nb, आपने देखा Nb कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, Nb इक्वल टू हो जाएगा 100 इनटू 0.2 -154, ठीक है, इनटू 0.1, तो ये वैल्यू आप यहां यूज करोगे 100 इनटू 0.2 -154 इनटू 0.1 अपॉन 0.35, इससे नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट होगा जो कि 18.4 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों ये 18.4%। तो इस तरह से ये है जेलडॉल मेथड, बहुत इजी है बच्चों, बस आपको डायरेक्ट इक्विवेलेंट दे रखे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इक्विवेलेंट डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं तो पहले आप उसमें से NaVa कैलकुलेट करें, NbVb उनका डिफरेंस लें, Nb आ जाएगा उसका यूज कर दें। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों लास्ट में आता है एस्टीमेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आकलन। तो देखो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है इसका डिटरमिनेशन टू मेथड से होता है, एक तो होती है इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि और एक है प्रत्यक्ष विधि। तो देखो बच्चों इनडायरेक्ट मेथड जो है अप्रत्यक्ष विधि, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल टू होता है 100 - नाइट्रोजन का परसेंटेज प्लस हैलोजन का परसेंटेज प्लस कार्बन का प्लस हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर जो भी अदर एलिमेंट्स है, मींस 100 - सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, मींस आप 100 में से जितने भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स के परसेंटेज डिटरमाइन किए हैं उनको माइनस कर दो, इससे आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल जाएगा। ओके,
तो यही लिखा है बच्चों कि ऑक्सीजन के परसेंटेज में से सभी तत्वों के प्रतिशत घटा दो तो आपको डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, पहले ये नोट कर लें। ये है, फिर हम आ जाते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। अब क्या करते हैं, अगर हमें इन एलिमेंट्स के परसेंटेज नहीं पता, हमें डायरेक्ट क्या निकालना है ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो क्या करें? तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों की ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नोन अमाउंट ली जाती है और उसे एक ट्यूब में अकेला गर्म किया जाता है। ऐसा करने से उसमें जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में बाहर आती है। उस O2 को जो है बच्चों फिर हॉट कोक होता है, कार्बन, जला हुआ कार्बन, मतलब कोक में इतने टेम्परेचर पर पास किया जाता है और इसके बाद जो गैसियस मिक्सचर बनता है उसको I2O5 में पास किया जाता है। ऐसा करने से CO2 और आयोडीन मिलता है। अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा। ये आयोडीन की अमाउंट नोट कर ली जाए या फिर CO2 की या दोनों की, और फिर ये दो रिलेशंस होंगे जिससे हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। फिर से सुने, इस मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक लोन अमाउंट ली जाती है, पहले उसे अकेला गर्म किया जाता है ट्यूब में, फिर उस गैसियस मिक्सचर जो निकला उसको पास किया जाता है हॉट कोक में, कोक में, कोक के बाद I2O5 में। ऐसा करने से आयोडीन और CO2 गैस निकलती है। आयोडीन की अमाउंट नोट कर ली जाए, CO2 की अमाउंट नोट कर ली जाए, फिर एक फॉर्मूला होगा, दो फॉर्मूले हैं इसमें, उनसे ऑक्सीजन का परसेंटेज लिया जाता है। तो यही लिखा है कि द नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटेड अलोन एंड प्रोडक्ट गैसियस मिक्सचर पास्ड ओवर हॉट कोक एट 1373 केल्विन एंड प्रोड्यूस्ड गैसियस मिक्सचर पास्ड ओवर I2O5 देन आयोडीन एंड CO2 लिबरेटेड हुज अमाउंट कैलकुलेटेड यूज्ड फॉलोइंग रिलेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को पहले अकेले गर्म करते हैं, इससे निकले गैसी मिश्रण को गर्म कोक में पास करते हैं, फिर इसके पश्चात आयोडीन I2O5 में पास करते हैं, इससे आयोडीन मिलती है तथा CO2, इनकी मात्राएं ज्ञात कर ली जाती हैं, फिर दो संबंध है जिससे हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीटेड किया, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन कोक से रिएक्शन किया, CO बना, CO फिर I2O5 से रिएक्शन करता है, आयोडीन बनती है। तो कुल मिला के ये रिएक्शन होती है, मींस 5O2 प्लस 10 C प्लस 2 I2O5 10 CO2 प्लस I2। तो ये जो आयोडीन बनी या ये जो CO2 बनी, इनकी अमाउंट कैलकुलेटेड कर ली जाती है, फिर ये रिलेशन लगता है, ऑक्सीजन परसेंटेज 16 अपॉन 127 इनटू मास ऑफ आयोडीन फॉर्मड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। जस्ट ऐसा ही ऑक्सीजन परसेंटेज 16 अपॉन 44 इनटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ध्यान रखें यहां पर 44 ग्राम में CO2 ऑक्सीजन, 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन कितनी है इस बेस पे नहीं है बच्चों। ये 44 ग्राम जब CO2 बनती है तब 1 ऑक्सीजन यूज होगा, 5CO2 5CO से बना, तो 1 CO2 में 1 CO से बनेगा और 1 ऑक्सीजन लगेगी, तो 44 ग्राम CO2 बनने में 16 ग्राम ऑक्सीजन लगी, तो इतने मास CO2 बनाने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी उस बेस पर है। ऐसा ही ये रिलेशन है, ये दो रिलेशन हैं जिनके बेस पर ऑक्सीजन का परसेंटेज डायरेक्ट निकाला जा सकता है। समझ गए बच्चों कि ऑक्सीजन का परसेंटेज 16 अपॉन 127 I2 का उत्पन्न भार, कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100, जस्ट ये रिलेशन है। एक क्वेश्चन है, 0.46 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 1.27 ग्राम आयोडीन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है हमें, तो हम 16 अपॉन 127 इनटू 127 अपॉन 0.46 इनटू 100 जो आ रहा है 34.78% ऑक्सीजन। तो ये है डायरेक्ट मेथड जिससे आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, या टोटल 100 में से सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज का सम माइनस कर दें तो भी निकलेगा। तो ये हमने देखा पूरा एक एलिमेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोजन, कार्बन, हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की ड्यूमा मेथड और जेलडॉल मेथड। इनसे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस आपको सीट में मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करें।
अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें हम लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं और एक यूडियोमेट्री के बारे में। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।